डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन 1-iodo-2 मिथाइल प्रोपेन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमैन प्रोजेक्शन इज मोस्ट स्टेबल। आप देखिए कि यहाँ पर चार जो है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले दिए गए हैं और आपसे इनसे स्टेबिलिटी की बात करी गई है। तो आपको एक बात याद आती है कि स्टेगर्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, और किससे ज़्यादा स्टेबल होता है? एक्लिप्स्ड से, ठीक है ना। तो एक्लिप्स्ड स्टेट से स्टेगर्ड या एंटी पोजिशन जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। कब? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है तो फिर वो गॉज फॉर्म जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, क्योंकि वो एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो जाती है और इसकी वजह से वो स्टेबिलिटी को गेन कर लेती है। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए कि स्टेगर्ड स्टेट क्या है। तो देखिए, एक्लिप्स्ड में आपको समझ में आता है कि एक्लिप्स्ड जो होती है उस स्टेट को कहते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे को मास्क कर लेते हैं, एटम जो होते हैं या मॉलिक्यूल एक दूसरे को मास्क करते हैं, तो एक दूसरे को ढकते हैं। यानी कि ये वाली स्टेट आप समझ में आ रहा है कि आयोडीन के जस्ट पीछे क्या है, मिथाइल है, हाइड्रोजन के जस्ट पीछे मिथाइल है और यहाँ हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, पार्शली एक्लिप्स्ड स्टेट है, ठीक है ना। ये स्टेट जो है वो कौन सी है आपके? पार्शली एक्लिप्स्ड स्टेट है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इस स्टेट को देखो, इस स्टेट को देखो, तो इस स्टेट में भी आप देखोगे तो आयोडीन के पीछे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन के पीछे क्या है, मिथाइल है। यानी ये भी जो होगी वो आपकी पार्शली एक्लिप्स्ड स्टेट आएगी। यहाँ पर ये पोजीशन जो होगी वो क्या कहलाएगी, ये पोजीशन जो है इसमें देख रहे हो कि मिथाइल जो होगा आयोडीन के इधर साइड, और यहाँ पर ये मिथाइल जो होगा इधर साइड पे है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एंटी स्टेट है। बट अगर आप यहाँ पर देखो, इस स्टेट को देखो, इस स्टेट को देखो, तो इस वाले स्टेट में जो है वो आपको दिखाई दे रहा है कि आयोडीन जो है वो मिथाइल के बगल में मिथाइल है और यहाँ पर भी आयोडीन के बगल में मिथाइल है। यानी कि आयोडीन को दोनों साइड से यहाँ पर रिपल्सन मिल रहा है। लेकिन अगर आप यही डी फॉर्म को देखें तो डी फॉर्म में यहाँ पर आयोडीन को इधर साइड से तो रिपल्सन मिल रहा है, बट यहाँ पर मिथाइल का रिपल्सन जो होगा वो क्या है, मिथाइल चूंकि एंटी पोजिशन पर आ गया इसकी वजह से रिपल्सन क्या है, कम है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म, तो जिसमें लेस रिपल्सन होगा वो स्टेबल फॉर्म जो होगी वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी आंसर यहाँ पर करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करेंगे, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन द मॉलिक्यूल। और आपको यहाँ पर दिया है सी एन होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एन होल ट्वाइस, ठीक है ना। आपको इस कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बना लेते हैं स्ट्रक्चर। तो देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इस कार्बन से दो साइनाइड इधर लगे हैं और दो साइनाइड इधर लगे हैं। साइनाइड की बात करते हैं तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन आता है, यहाँ पर भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन आ जाएगा, यहाँ पर भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन आएगा और यहाँ पर भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन आएगा, ठीक है ना। अब आपको एक बात ये पता है कि ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो गए। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो एक सिग्मा एक पाई हो गया। ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई होते हैं, तो यहाँ पर एक सिग्मा हो गया और दो पाई हो गए, यहाँ पर भी एक सिग्मा हो गया और ये दो पाई हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 सिग्मा हो गया एंड 2 पाई हो गए। अब जरा आप यहाँ पर देखो कि भाई सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड आपके पास हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की अगर आप बात कर रहे हो तो सिग्मा बॉन्ड आपके पास कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड आपके पास हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए, सॉरी 9 आपके पास भी सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 जो होंगे वो सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है। और पाई बॉन्ड का देखो तो ये कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 जो होंगे वो क्या हो गए, पाई बॉन्ड हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि 9 सिग्मा हो गए और 9 पाई बॉन्ड हो गए, यानी आंसर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन था, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि फेयरलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेयरलिंग सॉल्यूशन बी आर रिस्पेक्टिवली, यानी फेयरलिंग सॉल्यूशन का कंपोजिशन पूछा है। अब देखिए, कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट दे दिया है, ठीक है ना। और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एक्चुअल में टॉलेंस रिएजेंट होता है, तो इसका मतलब अगर आपके माइंड में सेट है तो टॉलेंस रिएजेंट वाले ऑप्शन गलत हो गए, ये दोनों गलत हो जाएंगे। इसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट पहले दे दिया, इसका मतलब है कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में जो है कोई एक करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखो जरा, पहले में दिया एक्वस CuSO4 और डी वाले में दिया हुआ है एक्वस CuSO4 बाद में, ठीक है ना। सॉरी, सी वाले में दिया एक्वस CuSO4 बाद में, डी तो गलत ही हो गया,
ठीक, तो फेलिंग ए कौन सा सॉल्यूशन होता है और फेलिंग बी कौन सा सॉल्यूशन होता है वो जरा देख लो। तो देखो भैया, फेलिंग ए जो होता है वो एक्चुअल में एक्वा CuSO4 होता है, ये जो होता है फेलिंग ए होता है, और फेलिंग बी जो होता है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। आपको याद आ रहा है कि टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है वो इस तरह से होता है COOH CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH और COOH। अगर मैं यहाँ से एक एसिडिक हाइड्रोजन हटा के सोडियम लगा दूँ, ठीक है ना, और यहाँ से एक एसिडिक हाइड्रोजन हटा के पोटेशियम लगा दूँ, तो मेरे पास ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बन जाता है। तो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो होता है वो मिला देते हैं, और ये सॉल्यूशन जो होता है वो फेलिंग बी होता है, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, फेलिंग बी होता है। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो पहला आंसर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर एक्व CuSO4 दिया है और एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट दिया हुआ है, यही आंसर जो होगा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम दिया गया, पूछा है आपसे, कह रहा है कि PTNS3 होल थ्राइस BrNO2Cl और यहां पर Cl दिया गया है। ठीक, तुमको समझ में आ रहा कि भाई यहाँ कोई मेटल से शुरुआत नहीं हुई है, इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ही नाम लिखे जाएंगे, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले लिगेंड के नाम लिखे जाते हैं, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो चलो भाई देख लेते क्या है। भाई इसको हम नाम देंगे क्या, अमीनो, इसको नाम क्या देंगे, ब्रोमो, इसको नाम क्या देंगे यहाँ पर, नाइट्रो, और यहाँ पर इसका नाम क्या लिखा है, क्लोरो। ठीक, बाहर वाला जो होता है वो क्या हो जाता है, क्लोराइड हो जाता है। बाहर वाला जो होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो होता है, यानी जो भी आयनाइजेशन स्फीयर में होता है वो क्या हो जाता है, आइड, यानी कि क्लोराइड हो जाएगा, बाद में आएगा। चलो ठीक है भाई, यहाँ पर हमने ये देख लिया। अब जरा हम प्लैटिनम के ऑक्सीडेशन नंबर भी देख लें, हालांकि देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप देख रहे हो कहीं पर भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं की गई है, बस में सब में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 4 दी गई है, तो इसका मतलब 4 ही होगा। चलो देख लेते हैं भाई, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इस पर होता क्या -1, इस पर क्या -1, इस पे क्या -1, और इस पर भी -1, तो मेटल पे क्या आ जाएगा, चार्ज 4 आ जाएगा, +4 आ जाएगा, ठीक है ना। मेटल पे चार्ज क्या आ जाएगा, +4 चार्ज आ जाएगा, यानी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, शुरुआत हमको यहीं से करना है, कोई मेटल है नहीं शुरुआत में, के पोटेशियम कैल्शियम कुछ भी नहीं, शुरुआत अल्फाबेटिकल आएगा कौन पहले, लिगेंड, लिगेंड में पहले कौन आएगा, ए वाला, ए मतलब ट्राई अमीनो, ठीक है भाई ट्राई अमीनो हो गया। उसके बाद कौन आएगा, बी वाला, बी में क्या है, ब्रोमो, यानी यहाँ पर तो नाइट्रो आ गया भैया, नाइट्रो आ गया, यानी ये गलत हो गया। चलो आ जाओ यहाँ पर ट्राई अमीनो के बाद क्लोरो आ गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। अब आ जाओ ट्राई अमीनो के बाद ब्रोमो आ गया, सही है भाई। बी के बाद कौन आएगा, सी, सी में कौन है, क्लोरो है, तो ट्राई अमीनो ब्रोमो क्लोरो, हाँ सही है। उसके बाद कौन आएगा, नाइट्रो आएगा, ठीक है, तो नाइट्रो आ गया। फिर इसके बाद में प्लैटिनम फोर्थ क्लोराइड, मेरा भाई यही सही सही हो गया, सी जो होगा यही सही हो जाएगा। अब एक बार फिर से डी को देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी ए के बाद सी दे दिया, ये गलत हो गया, ए के बाद पहले बी आएगा, फिर क्या आएगा, सी आएगा, बस वही ना, यानी आंसर सी जो होगा वो करेक्ट हो। इसको सॉल्व करते हैं, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते हो। देखो मैं एक बात आपको बता दूं कि 3D सीरीज में अगर आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में डी के इलेक्ट्रॉन देखने हैं तो आप ये 2 हटा दीजिए और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वही डी के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि डी के इलेक्ट्रॉन कितने, 5 हैं, और 5 ही है डी में, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप देख लीजिए यहाँ पर कोबाल्ट है, कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये हो जाएगा आर्गन और ये हो जाएगा 4s0 3d7। अब ये 3d7 हो जाएगा तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो भैया, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 is 6 7, एन कितना है, 3 है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। चलो भाई इसके बाद में वैनेडियम 2+ की बात करो, वैनेडियम का कितना है, 23 है, 27, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्गन। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो किसके, एस के निकल गए, और ये 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3, और जब 3D में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3, ठीक है ना, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इसके बाद में आ जाओ क्रोमियम, तो क्रोमियम का कितना है, 24, और 2+ की बात कर रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर आर्गन हो जाएगा, और इसके बाद में 4s पे 0 और 3d क्या हो जाएगा, 4, और जब ये 4 हो जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल कर लो, तो 1 2
थ्री फोर, फोर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी एन की वैल्यू आ गई कितनी, फोर आ गई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फोर आ गई। अब आ जाओ भाई मैग्नीज, मैग्नीज टू प्लस की बात कर रहे हो और ये 25, 25 का मतलब डी फाइव, तो ये 4s0 और ये हो जाएगा क्या 3d5, और 3d5 हो गया तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्या करा, इंटर कर दिया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 5। आंसर जो आएगा वो आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल हैव इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल। आपसे कह रहा है कि इनमें से पेयर, आपको एन का पेयर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भाई इनमें से किसका इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो इक्वल आएगा। आप पहले तो हम मैग्नेटिक मोमेंट देख लेते हैं क्या है और फिर समझ लेते हैं। देखिए अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात आप करते हो तो ये होता है क्या, रूट एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन होता है, और वेयर एन जो होता है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा, और n की वैल्यू अगर इक्वल होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इक्वल हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही ना, तो मतलब हमको ये देखना है कि भाई किसके किसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं, बराबर हैं। चलिए देखते हैं भाई, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, इसके बाद में क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है और वेनेडियम। चलिए एक एक ऑप्शन को लेके चलते हैं। मेरे पास ऑप्शन ए है, उसमें दिया है टाइटेनियम 2+। तो देखिए टाइटेनियम जो होता है वो कितना होता है, 22 होता है, बट अगर आप 2+ की बात करोगे तो 20 हो गया, तो ये क्या हो गया, आर्गन हो गया, और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा और 3d2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैंने बात करी तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले, आपको 2 मिल गए, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास वेनेडियम 2+ है, तो वेनेडियम का 23 होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आर्गन, और ये 4s0 और ये 3d3 हो जाएगा। भाई देखो 2+ में दो इलेक्ट्रॉन निकाले, किसके निकालोगे, s के निकालोगे, यहाँ पर n का k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। चलो भाई b की बात कर लो, क्रोमियम, क्रोमियम का 24 होता है, 3+, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो एस से, मतलब एस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। क्रोमियम का अगर आप देखो तो क्रोमियम का जो होता है वो 4s1 3d5 होता है। अब आप इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो एक इससे निकाल दिए, 2 इससे निकाल दिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3d3 हो जाएगा, और 3d3 हो गया तो n की वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी, 3+ है, n की वैल्यू 3 आ गई। चलो ठीक है, Mn2+ की बात करो, तो भाई Mn2+ की बात कर रहे हो, Mn का कितना एटॉमिक नंबर है, 25, 25 का मतलब d5, तो ये 4s0 हो गया और 3d5 हो गया, ठीक है ना। यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, 5, यानी बी भी नहीं होगा। अब सी की बात कर लो, तो सी की बात की तो सी जो होगा वो हो जाएगा क्या, Cr+ है। अब Cr+ है तो Cr में कितना होता है, 24 है, तो इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रिलीज हुआ, वो भी किसका, एस का, और इसका 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ठीक। तो n की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है ना। अब आ जाओ Fe3+ पे, Fe3+ की बात कर रहे हो, तो ये 26 का मतलब क्या होगा, 3d6 हो जाता है Fe2+ में, और 3d5 हो जाएगा Fe3+ में, यानी n की वैल्यू 5, दोनों में n की वैल्यू का जो है वो सेम आ रही है, इसका मतलब सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब आप इसको दूसरे को देख लो, तो V2+ में, V2+ की अगर आप बात करते हो तो V2+ में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी n की वैल्यू 3 है, और साथ स्कैंडियम 3+ दिया है, तो चलो भैया स्कैंडियम 3+ का देख लो, स्कैंडियम का कितना होता है, 21 है, तो ये आर्गन हो जाएगा, और 3+ निकाल दिए तो ये 4s से दो इलेक्ट्रॉन गए, और 3d से भी जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अनपेयर्ड नहीं है। तो वैनेडियम 2+ में जो है वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, V2+ में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट स्कैंडियम 3+ में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी अनइक्वल है। तो इक्वल कहां पर हैं, इक्वल हैं सी में, तो सी ही में अगर इक्वल है, एन की वैल्यू इक्वल, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल, आंसर सी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द रिएक्शन 2H2+O2 गिव्स 2H2O, ठीक है, द स्टोकियोमेट्री टेल्स दैट द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस वाटर इन द मास रेशियो ऑफ, अब आपको मास रेशियो दिया है 4:32, दूसरा दिया 2:1, 4:2 एंड 4:16, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि भाई इस रिएक्शन में आपको स्टोकियोमेट्री बता रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस मास रेशियो में जो होगा वो वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो चलिए हम इस रिएक्शन को यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये मेरे पास रिएक्शन हो गई 2H2 और प्लस O2 गिव्स
2H2O सॉरी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब ये बात बताओ मेरे को कितने मोल यहाँ पर लग रहे हैं, 2 मोल हाइड्रोजन के लग रहे हैं। ऑक्सीजन का कितना मोल लग रहा है, 1 मोल लग रहा है। अगर इसका मॉलिकुलर वेट मैं बताऊँ, इसका टोटल वेट अगर मैं पूछूँ तो आप कहोगे सर 2 × 2 यानी कि यहाँ पर 4 ग्राम हो गया। मैं कहूँ भाई यहाँ बता दो, तो आपने बोला कि सर यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन आइटम कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन आइटम का एटॉमिक वेट जो होता है वो कितना होता है, 16। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 मोल का वेट हो गया मॉलिकुलर वेट यानी कि 32 ग्राम। तो भाई मास रेशियो क्या आ जाएगा, मास रेशियो आ जाएगा 4:32 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो जाता कि अगर ये 32:4 दे देता, मान लो कि अगर ये वैल्यू दे देता 32:4, तब आपको एक बार टिक करने में थोड़ी, मान लो पहला ही ऑप्शन दे देता 32:4, आप तुरंत टिक करके निकल लेते। बट यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि हाइड्रोजन यहाँ पर है, पहले दिया ऑक्सीजन बाद में दिया, तो भैया हाइड्रोजन का पहले आएगा ऑक्सीजन का बाद में आएगा, इसलिए आंसर जो आएगा वो 4:32 आएगा, यानी कि बाई मास अगर आप देखेंगे तो रेशियो जो है उसका 1 आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। आपसे कह रहा है कि भाई इनमें से कौन सा जो होगा वो नॉट करेक्ट होगा, भाई इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट मत टिक कर देना। टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है कि ये जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है, उसकी वैल्यू जो होती है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी सेम रहती है। फिर कह रहा है कि कैटलिस्ट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो देखिए कैटलिस्ट का मतलब ही यही होता है कि वो क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करे, बात वही ना। तो वो क्या करेगा, रिएक्शन को फास्ट तब करेगा जब एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। भाई आपको याद आ रहा है, आपने ग्राफ भी बनाया हुआ था रिएक्शन प्रोसेस में कि पहले कैटलिस्ट के एब्सेंस में इस तरह से रिएक्शन हो रही है, और बाद में कैटलिस्ट जैसे ही मिलाया उसने क्या करा, उसने जो है एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया, ठीक है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया तो यानी ये क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी सही है बट मेरे को तो इनकरेक्ट चाहिए। चलिए तीसरा कह रहा है कैटलिस्ट प्रोवाइड एड अल्टरनेट रिएक्शन मैकेनिज्म, भाई ठीक है ये भी सही है। कैसे भाई, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराओगे तो कैटलिस्ट की सरफेस पर रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी, और जब कैटलिस्ट की सरफेस पर रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी तो ये क्या करेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म को अल्टरनेट एक पाथ जो होगा यानी कि अल्टरनेट रिएक्शन मैकेनिज्म जो होगा वो ये देगा। तो भाई अब जो तीनों करेक्ट है इसका मतलब डी आंसर ही जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी मेरा डी आंसर जो होगा वो टिक हो गया। अब ये है क्या, चलो इसको देखते हैं। कह रहा है कैटलिस्ट अल्टर्स द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। आपसे कह रहा है कि कैटलिस्ट जो होता है वो गिब्स फ्री एनर्जी को चेंज करता है, अल्टर करता है, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भाई, देखो गिब्स फ्री एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कैटलिस्ट एंथैल्पी में परिवर्तन कुछ भी नहीं करता, कोई भी चेंज नहीं करता, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करता, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं करता, तो भैया डेल्टा जी में कहाँ से चेंज आ जाएगा। बात को समझ में आई कि नहीं आई, कैटलिस्ट जो होता है ना तो एंट्रोपी में चेंज करता, ना एंथैल्पी में चेंज करता, ना टेम्परेचर में चेंज करता, तो फिर भाई डेल्टा जी में भी कोई चेंज नहीं करेगा, यानी ये बोल रहा है कि अल्टर नहीं होगा, यानी डी आंसर ही जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट का डी आंसर इनकरेक्ट। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्टीरो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस एंड आर नॉट सुपर इम्पोजिबल टू वन एंड अदर आर कॉल्ड। देखिए आपसे कह रहा है कि भाई कि जो स्टीरो आइसोमर्स हैं वो ना तो सुपर इम्पोज हो हैं और ना ही वो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे। तो भाई ये तो डेफिनेशन ही होती है, किसकी होती है, डाइस्टीरोमर्स की, यानी यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको बता भी दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने टार्टेरिक एसिड लिया, तो टार्टेरिक एसिड का आपने स्ट्रक्चर बनाया, तो एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ये बना दिया, ये स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा है कि ये मीजो टार्टेरिक एसिड है, और मीजो टार्टेरिक एसिड इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री को पास कर सकते हो, और प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यानी इसका रोटेशन जो होगा वो इसके रोटेशन से कैंसिल आउट हो जाता है, और यहाँ पर इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ये कैसा होता है, ये जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, मीजो कंपाउंड कहलाता है। मान लो कि मैंने एक दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया इसका, ये हो जाएगा COH, और यहाँ पर मैंने कर दिया
दिया एच ओ एच कर दिया, और उसके बाद ये मैंने कर दिया एच और यहाँ पर ये ओ एच और ये हो जाएगा सी ओ ओ एच, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक मिरर लगा दिया, क्या ये इसकी मिरर इमेज है? क्या ये इसकी मिरर इमेज है? आप कहोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि भैया इधर हाइड्रोजन है, इधर OH है, अगर मिरर होता तो ये पलट जाता, तो OH इधर आ जाता, H उधर चला जाता। इसी तरह से यानी कि इसकी मैं अगर मिरर इमेज बनाऊं इस वाले की, यहाँ पे मैंने मिरर लगाया, तो अगर इसकी मिरर इमेज मैं बना दूं तो ये मिरर इमेज आपको समझ में आ रही कि सी डबल ओ एच हो जाएगा और ये एच और ये ओ एच हो जाएगा और यहाँ एच और ये ओ एच हो जाएगा और ये सी ओ ओ एच हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की मिरर इमेज आपको यहाँ पर दिखाई देगी, बट ये नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। अब आप इसको उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हो तो सुपर इम्पोज भी नहीं होगा, बात समझ ही नहीं आई। मतलब ये इसको पूरी तरह से, ये देखिए ये जो होगा वो तो सुपर इम्पोज हो गया, ये जो है वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये अगर इसके ऊपर सुपर इम्पोज करो तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा, ये तो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गई और नॉन मिरर इमेज हो गई। तो जो नॉन सुपर इम्पोजिबल और नॉन मिरर इमेज होते हैं दे आर कॉल्ड डायस्टेरोमर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो देखिए एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कंडीशन क्या चाहिए वो जरा आप एक मिनट के लिए देख लीजिए। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आपको एच पी सी सी डी चाहिए, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आपको क्या चाहिए, एच पी सी सी डी, मतलब वो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें होने चाहिए, या इसका मतलब है कि ऑड नंबर में पाई बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा वो प्लेनर होना चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए। इसके अलावा वो साइक्लिक होना चाहिए। इसके अलावा वो कॉन्जुगेट होना चाहिए। कॉन्जुगेट का मतलब ये कि उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होना चाहिए। और इसके अलावा उसमें डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और एक लूप बनना चाहिए। तो डिलोकलाइजेशन जो है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात यहां पर हो रही है। चलिए अब यहां पर लगा देते हैं, पहले वाले में हम लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें आप इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने, एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई और चौथा पाई। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि अगर आप यहाँ पर एन की वैल्यू को ज़ीरो रख दें, सपोज अगर आप एन की वैल्यू को ज़ीरो रख दें तो आपको समझ में आ रहा है ये वैल्यू ज़ीरो हो गई, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एन की वैल्यू को अगर आपने 1 रखा तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एन की वैल्यू को अगर आपने 2 रखा तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, एन की वैल्यू को आपने 2 रखा तो यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड चाहिए मेरे को, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर 5 पाई बॉन्ड चाहिए, ठीक है। इससे याद अगर नहीं है यहाँ पर कोई भी डेटा, 3 समझ रहे, 3 पाई बॉन्ड तक का ही देख रहे हैं। यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है, 2 ही पाई बॉन्ड है और किसी की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज नहीं है। अगर निगेटिव चार्ज होता तो वो लोन पेयर को डिलोकलाइज करके बना देता। इसका मतलब पहला ही हो गया कि ये पहला वाला ही एरोमेटिक नहीं है, पहला वाला ही क्या है, एरोमेटिक नहीं, यानी पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बाकी के भी देख लेते हैं। देखिए आपको याद आ रहा है कि ये क्या है, पाइरिडीन है, और पाइरिडीन में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है किसमें, रेजोनेंस में। क्यों? क्योंकि अगर पाई बॉन्ड है और लोन पेयर है तो पार्टिसिपेट कौन करता है, पाई बॉन्ड करता है रिंग में, डिलोकलाइजेशन में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें 3 पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी होगी। तो पहला तो इसने फॉलो कर लिया कि भैया हकल को ये फॉलो कर रहा है। दूसरा प्लेनर, हाँ भाई प्लेनर है, कार्बन जितने भी डबल बॉन्ड बनाता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और नाइट्रोजन में अगर आप देख लो तो एक सिग्मा है, दूसरा सिग्मा और एक ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसका टोटल आ गया THO, यानी टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका 3 आ गया। और 3 आने की वजह से इस पर भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp2, तो ये भी कैसा होगा, प्लेनर हो गया। तीसरी कंडीशन लगा दो, साइक्लिक है, हाँ भैया है। कॉन्जुगेट है, हाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो कॉन्जुगेट भी है। डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है, लूप बन रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो होगा एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक होगा। चलो भैया अब इस पर लगा दो, यहाँ पर आपको 1 पाई बॉन्ड दिखा रहा है, यहाँ पर प्लस चार्ज आने की वजह से कोई दूसरे पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी, यानी एक ही पाई बॉन्ड होगा। तो एक पाई बॉन्ड अगर है तो हकल को फॉलो कर रहा है, हाँ कर
कर रहा है तो हकल को ये फॉलो कर रहा है, चलो ठीक है। इसके बाद साइक्लिक है, कॉन्जुगेट है हम। भाई देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि पाई बॉन्ड जो है वो मूव कर रहा है किसके साथ में, प्लस चार्ज के साथ में कर रहा है, ठीक है ना। पाई बॉन्ड प्लस के साथ भी मूव कर सकता है, पाई बॉन्ड माइनस के साथ कर सकता है, पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ कर सकता है, पाई बॉन्ड जो होगा वो वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कर सकता है, ठीक है। तो ये सब जो होंगे कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं। तो है यहाँ पर, तो इसका मतलब है इसके बाद में यहाँ पर साइक्लिक हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है प्लेनर है क्या भाई, प्लेनर है क्या, ये प्लेनर है भाई। एक वाला कार्बन पे प्लस चार्ज या sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और डबल बॉन्डेड कार्बन ऑलरेडी sp2 होता ही है, यानी रिंग जो होगी वो किस में आ जाएगी, एक प्लेन में आ जाएगी। डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी जो होगा वो एरोमेटिक हो जाएगा। अगला लगा दो यहाँ पे, ये फ्यूरान है। फ्यूरान में आपको समझ में आ रहा है कि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं जिनमें से एक लोन पेयर जो होता है वो डिलोकलाइज्ड होता है। तो यहाँ पर ये डिलोकलाइज्ड होकर क्या करता है, 6 pi इलेक्ट्रॉन को जनरेट करता है, और 6 pi इलेक्ट्रॉन जनरेट होने की वजह से इस पर 3 pi बॉन्ड बन जाते हैं, यानी हकल को ये फॉलो कर रहा है। अब भाई ये प्लेनर है, तो भाई प्लेनर है क्योंकि सारे कार्बन जो होंगे वो कैसे हैं, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और इसकी वजह से वो प्लेनर हैं। और ऑक्सीजन का देख लो, तो भैया ऑक्सीजन एक सिग्मा बॉन्ड ये बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये, और एक ये लोन पेयर हो गया। ये वाला लोन पेयर तो रेजोनेंस में चला गया, और जब भी लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन में उसको काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि उसे हम पाई बॉन्ड की तरह कंसीडर कर लेते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब कि 1 2 3 इसका टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, THO आ गया, मतलब इस पे भी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, और उस केस में ये भी कैसा होगा, प्लेनर हो जाएगा। तो चलिए ये प्लेनर है। इसके बाद में साइक्लिक है क्या, हाँ भैया रिंग बना रहा है, साइक्लिक है। इसके बाद कॉन्जुगेट है क्या, हाँ कॉन्जुगेट भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ मूवमेंट हो रहा है कॉन्जुगेशन में। डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। तो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट वाला जो होगा वो कैसा होगा, नॉट एरोमेटिक होगा, बात समझ आई ना। इसको हम एंटी एरोमेटिक भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ए फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कलेक्शन बताना है कि इनमें से कौन सा सेट जो होगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के हिसाब से करेक्ट होगा। सबसे पहले हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक को समझ लेते हैं कि आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं तो आप ये कह देते हो कि सर ये जो होगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। अब मेरे पास क्या क्या दिया गया है, तो मेरे पास देखिए सोडियम दिया गया है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और क्लोराइड दिया है। मेरे पास सोडियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है, एल्युमिनियम एंड क्लोराइड दिया है, ठीक है ना। तो चलिए मैं प्लस लगा देता हूँ, 2+ हो जाएगा, 3+ हो जाएगा और माइनस होगा। देखिए अगर सोडियम पे +1 लगाते हो तो 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैग्नीशियम पे +2 लगाते हो 10 इलेक्ट्रॉन, मैं एल्युमिनियम पे +3 लगाते हो 10 इलेक्ट्रॉन, बट अगर क्लोरीन पे -1 लगाते हो तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम बी की बात कर लेते हैं। तो देखिए बी में आपको दिया हुआ है K+ दिया है, Cl- दिया है, Mg2+ दिया है और Scandium 3+ दिया है। अब देखिए आपको समझ में आ रहा है कि Mg2+ और Cl- अभी जस्ट आपने चेक किया कि Mg2+ पे 10 इलेक्ट्रॉन है और Cl- पे 18 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब बाकी आप नहीं भी चेक कर रहे तो कोई टेंशन नहीं है, तो ये भी जो होगा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। चलो एक बार देख भी लेते हैं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, बट पोटेशियम प्लस में कितने, 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्लोराइड में आपको समझ में आ ही गया 18 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का 12 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 10 इलेक्ट्रॉन, और स्कैंडियम का 21 होता है और 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये होगा कि ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। चलिए वह सी को देख लेते हैं। जो सी ऑप्शन आपको दिया गया है वो दिया है Na+ दिया है, Ca2+ दिया है, Sc3+ दिया है, Scandium 3+ और F- दिया है। सोडियम पे 11 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर तो ये 18 इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम का 21 तो इसके हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन का 9 होता है एटॉमिक नंबर तो उसके कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। यानी ये भी जो होगा वो इनकरेक्ट हो गया, बच गया भैया डी, यानी डी आंसर ही आपका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए K+ है, Ca2+ है, इसके बाद में स्कैंडियम 3+ है एंड क्लोराइड माइनस है।
पोटेशियम पे 90 एटॉमिक नंबर तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, कैल्शियम आयन पे 20 एटॉमिक नंबर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, स्कैंडियम का 21 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और क्लोराइड का 17 एटॉमिक नंबर तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी डी आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ईजिली सॉल्वेबल इन वाटर। आपसे कह रहा है कि भाई वाटर में इनमें से कौन जो होगा वो सॉल्वेबल होगा, और आपको समझ में आ रहा है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट आपको दिए गए हैं। अब आप ये बताइए कि सॉल्वेबिलिटी की बात कर रही है, बट आपके दिमाग में फिट नहीं हो पा रहा कि यार सॉल्वेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, आप कन्फ्यूजन में हो तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे को एक बात बताओ, क्या BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है क्या? तो आपने बोला हाँ सर, BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इसका मतलब है कि BaSO4 जो होगा वो कैसा होगा, लेस सॉल्वेबल होगा। तो जब लेस सॉल्वेबल होगा और आपके पास में एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, बेरिलियम है, इसके बाद में मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर स्ट्रॉन्शियम है, इसके बाद बेरियम है, और इन सब के सल्फेट हैं, तो इसका मतलब है कि सल्फेट की सॉल्वेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रही है, घट रही है। और जब घट रही है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर सॉल्वेबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज होने पर सबसे ज़्यादा सॉल्वेबल जो होगा वो कौन होगा, BaSO4 हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है कि लैटिस एनर्जी टॉप टू बॉटम जब आप जाते हो तो लैटिस एनर्जी जो होती है वो ग्रेटर देन हो जाती है हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना। हाइड्रेशन एनर्जी तेजी से घटती है और लैटिस एनर्जी उस रेशियो में नहीं घट पाती है, उस केस में लैटिस एनर्जी जो होती है वो ग्रेटर देन हो जाती है हाइड्रेशन एनर्जी से, और उससे उसकी वजह से क्या होता है कि BaSO4 जो होता है वो कैसा, लेस सॉल्वेबल हो जाता है और वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ईजिली सॉल्वेबल, तो ईजिली सॉल्वेबल वाला आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि यहां पर BaSO4 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाए। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन 1-iodo-2-methylpropane विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमैन्स प्रोजेक्शन इज मोस्ट स्टेबल। आप देखिए कि यहाँ पर चार जो है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले दिए गए हैं और आपसे इनसे स्टेबिलिटी की बात करी गई है। तो आपको एक बात याद आती है कि स्टेगर्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, और किससे ज़्यादा स्टेबल होता है, एक्लिप्स्ड से, ठीक है ना। तो एक्लिप्स्ड स्टेट से स्टेगर्ड या एंटी पोजिशन जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, कब, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है तो फिर वो गॉज फॉर्म जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, क्योंकि वो एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो जाती है और इसकी वजह से वो स्टेबिलिटी को गेन कर लेती है। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए कि स्टेगर्ड स्टेट क्या है। तो देखिए एक्लिप्स्ड में आपको समझ में आता है कि एक्लिप्स्ड जो होती है उस स्टेट को कहते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे को मास्क कर लेते हैं, एटम जो होते हैं या मॉलिक्यूल एक दूसरे को मास्क करते हैं, तो एक दूसरे को ढकते हैं, यानी कि ये वाली स्टेट आप समझ में आ रहा है कि आयोडीन के जस्ट पीछे क्या है, मिथाइल है, हाइड्रोजन के जस्ट पीछे मिथाइल है और यहाँ हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, पार्शियली एक्लिप्स्ड स्टेट है, ठीक है ना। ये स्टेट जो है वो कौन सी है, आपके पार्शियली एक्लिप्स्ड स्टेट है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इस स्टेट को देखो, इस स्टेट को देखो, तो इस स्टेट में भी आप देखोगे तो आयोडीन के पीछे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन के पीछे क्या है, मिथाइल है, यानी ये भी जो होगी वो आपकी पार्शियली एक्लिप्स्ड स्टेट आएगी। यहाँ पर ये पोजीशन जो होगी वो क्या कहलाएगी, ये पोजीशन जो है इसमें देख रहे हो कि मिथाइल जो होगा आयोडीन के इधर साइड, और यहाँ पर ये मिथाइल जो होगा इधर साइड पे है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एंटी स्टेट है। बट अगर आप यहाँ पर देखो, इस स्टेट को देखो, इस स्टेट को देखो, तो इस वाले स्टेट में जो है वो आपको दिखाई दे रहा है कि आयोडीन जो है वो मिथाइल के बगल में मिथाइल है, और यहाँ पर भी आयोडीन के बगल में मिथाइल है, यानी कि आयोडीन को दोनों साइड से यहाँ पर रिपल्सन मिल रहा है। लेकिन अगर आप यही डी फॉर्म को देखें तो डी फॉर्म में यहाँ पर आयोडीन को इधर साइड से तो रिपल्सन मिल रहा है, बट यहाँ पर मिथाइल का रिपल्सन जो होगा वो क्या है, मिथाइल चूंकि एंटी पोजिशन पर आ गया इसकी वजह से रिपल्सन क्या है, कम है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म, तो जिसमें लेस रिपल्सन होगा वो स्टेबल फॉर्म जो होगी वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अब भैया नॉट करेक्ट यानी इनकरेक्ट को सबसे पहले सर्कल करेंगे, वरना करेक्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, वो टिक हो जाएगा, ठीक है ना। पहला कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द हेनरीज कॉन्स्टेंट KH इज ग्रेटर फॉर द गैसेज विद हायर सॉलिबिलिटी। आपसे कह रहा है कि हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो होती है वो जो गैसेज ज़्यादा सॉलिबल होती हैं उनके लिए ज़्यादा होती है। तो चलिए इसको हम फार्मूले से देख लेते हैं। देखिए आपको याद आ रहा है कि हेनरी अगर फार्मूला आप लगाते हो तो ये जो है वो आता है P = KH into X।
यार पी जो होगा वो प्रेशर ऑफ गैस होता है, ठीक है ना, ये जो होता है वो प्रेशर ऑफ गैस होता है, एंड एक्स जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर एक बात देखिए, इसको हम क्वांटिटी ऑफ गैस भी कह सकते हैं, हम इसको क्या है क्वांटिटी ऑफ गैस कह सकते हैं, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन है, यानी कि मोल बाय टोटल मोल, ठीक है ना, तो हम इसको क्वांटिटी ऑफ गैस से भी रिलेट कर सकते हैं। अब आप एक बात जरा देखिए, अगर हम केएच की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो केएच इक्वल टू जो होगा वो आपको समझ में आ रहा है पी बाई एक्स हो जाएगा, यानी अगर पी कांस्टेंट होगा तो केएच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स के, यानी कि गैस की क्वांटिटी अगर बढ़ेगी, यानी गैस की सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ेगी तो केएच की वैल्यू जो होगी वो घट जाएगी, अगर गैस की सॉल्युबिलिटी जो होगी वो बढ़ेगी तो केएच की वैल्यू क्या हो जाएगी घट जाएगी। तो यहाँ पर ये दे रहा है कि द वैल्यू ऑफ द हेनरीज कांस्टेंट इज ग्रेटर फॉर द गैसेस विद हायर सॉल्युबिलिटी, हालांकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, एट कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि यही हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट बोल रहा है भाई, हायर नहीं होगा, हायर सॉल्युबिलिटी अगर होगी तो केएच की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, केएच की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, यानी मेरा ए आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट ऑप्शन को पूछा है। अब हम एक काम करते हैं कि बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि भाई बाकी के ऑप्शन में जो ऐसा नहीं कि कोई करेक्शन आ रहा हो, चलो ठीक है। तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, बिल्कुल सही है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो सॉल्वेंट के नेचर पर ही डिपेंड करती है, ठीक है, सॉल्वेंट से ही आप उसके फॉर्मूले को भी जनरेट करते हैं, तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद कह रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये भी ठीक है भाई, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आप क्या लगाते हो, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू क्या होता है एक्स बी होता है, एक्स बी क्या है मोल फ्रैक्शन, यानी मोल बाई क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा, तो ठीक है डायमेंशनलेस जो होगी वो ये क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है, तो ये जो होगा ये भी करेक्ट है, ठीक है, और आपको नॉट करेक्ट चाहिए। इसके बाद डी बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ द हेनरीज कॉन्स्टेंट के एच इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब देखिए इसको इनडायरेक्ट वे में पूछा गया है, कैसे, देखो अगर मान लो आपने क्या करा कि कोई भी सॉल्वेंट आपने लिया और उसमें गैस को आपने क्या किया डिसॉल्व किया, ठीक है ना, अब गैस जितनी भी डिसॉल्व हुई बट अगर आप इसको हीट करना शुरू कर दोगे तो गैस बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, यानी गैस की सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, और जब गैस की सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी तो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब क्या आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो होगी वो क्या होगी डिक्रीज हो गई, और डिक्रीज होने पर हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई इंक्रीज हो गई, तो वही बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस घटी, गैस की सॉल्युबिलिटी घटी और हेनरी लॉ बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा तो हेनरी लॉ बढ़ा, हेनरी कांस्टेंट बढ़ा, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन भी कैसा करेक्ट है, यानी समझ में आ रहा है कि ए ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन ही हमारा होगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर 2.1 3.0 3.2 3.5 एंड 4.0 रिस्पेक्टिवली, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, आपसे कह रहा है कि अगर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ये है तो इनके बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किस में बनेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड की बात करनी है तो आप जो होता है जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होती है जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा ई एन के, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उतनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या ज़्यादा होती है। तो एक काम करते हैं कि सबकी वैल्यू को रख के और उसका डेल्टा ई एन निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल लेते हैं। चलिए देखिए अगर आप ऑक्सीजन की हम बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 दी गई है, क्लोरीन की अगर देखें तो 3.0 दी गई है, ऑक्सीजन की यहाँ पर 3.5 दी गई है, फ्लोरीन की देखें 4.0 दी गया है, हाइड्रोजन की 2.1 दिया है, ऑक्सीजन की 3.5 है, नाइट्रोजन की 3.2 दिया है और इसकी 2.1 है। बस अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई आंसर क्या आएगा, चलो देख लेते हैं भाई। यहाँ पर डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आएगा 0.5 का, यहाँ पर अगर हम डेल्टा ई एन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आएगी 0.5 की, यहाँ पर डेल्टा ई एन को अगर हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो ये आएगा 1.4, और यहाँ पर अगर आप डेल्टा ई एन को कैलकुलेट कर रहे हो तो ये वैल्यू आ रही है 1.1, ठीक है ना। यहाँ पर आपने 3.5 माइनस 2.1 किया 1.4 आएगा, 3.2 माइनस 2.1 किया 1.1 आएगा,
4.0 माइनस 3.5 किया तो 0.5 आएगा, और यहाँ पर भी आपने 3.5 माइनस 3.0 किया तो 0.5 आएगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कहाँ पर है, सी वाले में है। तो इसका मतलब है कि आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एच ओ बॉन्ड जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर आपका सी होगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द रिएक्शन, और रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि ब्यूटेनोइक एसिड आपको दिया गया है और इसकी रिएक्शन कराई गई है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और एक्सेस में लिया गया है, साथ ही साथ एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराई गई। कह रहा है द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म इज, और यहाँ पर आपको पहला जो दिया गया है वो ब्यूटाइन दिया गया है, दूसरा ब्यूटाइल एल्कोहल दिया है, दूसरा तीसरा ब्यूटर एल्डिहाइड ब्यूटेनल दिया हुआ है, और चौथा अगर आप देखेंगे तो क्या दिया है, ब्यूटेन दिया हुआ है। अब इन चारों में कौन से ऑप्शन जो होंगे वो करेक्ट होंगे वो जरा देखना। तो देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की अगर आप बात करते हो तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये आपको याद आ रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये क्या करता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड को, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को चेंज कर देता है किसमें, एल्कोहल में। तो ये क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड को किसमें, अल्कोहल में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बाकी का सारा वैसा का वैसा। तो इसका मतलब है कि इस पार्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है, इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, तो यही पार्ट जो होगा वो CH2OH में बदल जाएगा। तो भाई CH3CH2CH2, तो देखो CH3CH2 सी हो गया, ये नहीं है, CH3CH2CH2 है, और इसके बाद ये CH2OH में बदल जाएगा, यानी आंसर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले बार में देख रहे हो तो ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में बदलता है, ठीक है ना। बट ये कैसा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को चेंज करता है किसमें, अल्कोहल में। तो यहां पर ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो भाई नॉट करेक्ट को तो पहले सर्कल करेंगे वरना हमारे पास टिक हो जाएगा करेक्ट वाला, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्चुअल है, आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत आप इसका आंसर दे लोगे। पहला कह रहा है कि डेल्टा जी इज़ जीरो फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, बिल्कुल सही है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है ना। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो है वो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसीलिए जब आप इक्विलिब्रियम रिएक्शन करते हो तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में आप डेल्टा जी की वैल्यू जो है उसको जीरो कर देते हो, ठीक है, जब आप डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो तो, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कह रहा है कि भाई डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो क्या है, पॉजिटिव है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। ये भी बिल्कुल सही है कि डेल्टा जी जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो चलो भैया ये जो होगा वो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और उसके लिए वैल्यू पॉजिटिव, तो भाई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगी, तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है किसके लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। ये तीन पॉइंट होते हैं डेल्टा जी के बारे में जनरली जो आप बताते हो रिएक्शन के बेस पर, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि भी पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा कह रहा है डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सही है भाई। तो फिर चौथा ही ऑप्शन जो होगा वो कैसा होगा, इनकरेक्ट हो गया। कह रहा है कि डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बस यही जो होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव जो होगा वो किसके लिए होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए होता है, यानी इसका आंसर जो होगा वो डी आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है और क्वेश्चन के ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो, बट जब आप चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। वैसे भी किसी क्वेश्चन में सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और मैं यही करता भी हूँ कि मैं सारे के सारे ऑप्शन के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्लोरोफिल इस पहला कह रहा है कि कंपाउंड दैट मेक्स CO2 इन प्लांट, बल्कि आपको याद आ रहा है कि प्लांट में CO2 को का फॉर्मेशन जो होता है वो क्लोरोफिल का काम नहीं है, ठीक है, उसका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस कराना, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है डिराइव्ड फ्रॉम हीम, तीसरा कह रहा है अ डाई पायरोल पिगमेंट, और चौथा कह रहा है अ ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग मैग्नीशियम। बस भैया आपको समझ में आ गया कि ये ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग मैग्नीशियम, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट का कलर भी जो होता है वो ग्रीन होता है, और ये फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा, और इसमें मेटल जो होता है वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम।
आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पॉलीमर का क्वेश्चन है, आपको तुरंत याद आ जाएगा, अभी एक मिनट में इसको सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि आइसोप्रीन और इसका आईयूपीएसी नेम दिया है 2-methyl-1,3-butadiene इज अ बेसिक यूनिट ऑफ द पॉलीमर रबर इज। अब आप सोचो जरा कि आइसोप्रीन जो है वो किसकी बेसिक यूनिट है, तो मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन समझ में आ गया। पहला कह रहा है ब्यूनाएस रबर, दूसरा कह रहा है न्योप्रीन रबर, तीसरा कह रहा है नेचुरल रबर और चौथा कह रहा है ब्यूनाएन रबर। और आंसर क्या है इसका, आंसर सी है, आंसर क्या है, नेचुरल रबर। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है। स्ट्रक्चर भी मैं इसका बना दे रहा हूँ, देखिए ब्यूटाडाइन बनाना है तो भाई चार कार्बन आप ले लो और 1 और 3 पे डबल बॉन्ड लगाना है तो 1, 2, 3, 4 तो 1 के बाद डबल बॉन्ड आएगा और 3 के बाद डबल बॉन्ड आएगा और 2 पे क्या आ जाएगा, 2 पे मिथाइल आ जाएगा। बाकी आप इसको कंप्लीट कर दो, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया तो CH2 हो गया, यहाँ चारों वैलेंसी कंप्लीट हो गई, यहाँ 3 बॉन्ड तो ये CH हो जाएगा और यहाँ 2 बॉन्ड तो CH2 हो जाएगा। ये जो है वो आपका आइसोप्रीन यूनिट है और ये क्या करता है, पॉलीमराइज होकर नेचुरल रबर का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है ना, तो चलिए आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ द सुक्रोज यील्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से लग जाएगा। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस सोच लो, क्वेश्चन का आंसर आ गया। कह रहा कि 2 मोल्स ऑफ गैलेक्टोज, फिर कह रहा है 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, फिर कह रहा है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोल फ्रक्टोज, और फिर कह रहा है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोल गैलेक्टोज। तो आपके दिमाग में बिल्कुल बात फिट है क्या, कि अगर आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हो तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। ठीक है ना, अगर आप C12H22O11 सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हो तो एक मॉलिक्यूल C6H12O6 और दूसरा C6H12O6 जिसमें ये कीटोनिक कंपाउंड है और ये जो है वो कैसा है, एल्डिहाइडिक कंपाउंड है। समझ में आ रहा है, यानी ये ग्लूकोज है और ये क्या है, फ्रक्टोज है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रक्टोज बनेगा, यानी आंसर सी जो होगा वह करेक्ट हो जाए। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड शैल प्रोड्यूस आइसोब्यूटाइल अमीन इन थैलीमाइड रिएक्शन, और आपको चार ये ऑप्शन दिए गए और आपसे कह रहा है कि भाई आइसोब्यूटाइल अमीन को थैलीमाइड रिएक्शन में बनाएगा। देखिए थोड़ा सा अगर आप माइंड को सेट करेंगे तो ये आंसर आराम से क्लियर हो जाएगा। एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो हम आइसोब्यूटाइल अमीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि क्या है। तो देखिए आइसोब्यूटाइल अमीन का मतलब क्या है कि भाई आइसोब्यूटाइल ग्रुप, यानी कि ये तो हो गया आइसोप्रोपाइल और ब्यूटाइल कह रहा है तो भैया ये CH2 हो गया, ये मेरे पास हो गया क्या, आइसोब्यूटाइल ग्रुप हो गया, और अमीन लगा दें तो ये बन जाएगा क्या, NH2 बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर NH2 लग जाएगा तो ये मेरे पास हो गया क्या, आइसोब्यूटाइल अमीन। अब आपको इसी का फॉर्मेशन करना है और वो भी गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से करना है। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन में क्या करते हो कि पहले आप थैलामाइड बनाते हो, थैला से थैली बनाते हो और ये बन जाता है क्या, थैली जो होता है वो इस तरह का होता है, तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, थैलीमाइड रिएक्शन हो जाएगा, तो ये हो गया क्या, थैलीमाइड बन गया। ठीक, अब थैलीमाइड की रिएक्शन क्या करते हो, आप बेस के साथ कर देते हो और बेस से जो है वो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो आप हटा देते हो, तो यहाँ पर बेस के साथ रिएक्शन करी और बेस के साथ रिएक्शन करने पर मान लो हमने NaOH के साथ रिएक्शन कर दी, एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया और हटाने के बाद हमने क्या करा कि ये C(OO) और ये (OO) ले लिया और नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पर सोडियम लग गया। अब आप इसकी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देते हो, यहाँ पर Br है, Br के साथ रिएक्शन करा दी, यहाँ से NaBr जो होगा वो निकल जाएगा और NaBr निकल गया तो NaBr यहाँ से माइनस हुआ और जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये बन जाएगा, ये C(OO) हो जाएगा और यहाँ पर C(OO) और ये NR बन जाएगा, NR हर जगह है। तो अब यहाँ पर इसके बाद आप क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस कर देते हो। इसकी हाइड्रोलिसिस जैसे आप करते हो वैसे जो होगा वो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या हो जाता है, इधर साइड H और यहाँ पर OH, ये H लग गया, इधर OH लग गया और आपको समझ में आ रहा है कि ये RNH2 बन जाता है। अब मेरे को एक बार बताओ, जो R आपने लिया था यहाँ पर, वही R तो सेम का सेम यहाँ पर आ गया, इस R में कोई चेंज हुआ क्या, ना कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये NH2 तो आपको थैलीमाइड से मिला और ये R आपको मिला एल्काइल हैलाइड से। ठीक है ना, ये R आपको मिला एल्काइल हैलाइड से, यानी यही R आपको देखना है कि ये R जो है वो कौन सा R है, किस ऑप्शन में है। तो देखो भाई इस वाले ऑप्शन में क्या ये R है,
CH3 नहीं है, गलत। इस वाले में नहीं है स्ट्रेट चेन। यहाँ पर देख लेते हैं, इसको ज़रा ओपन कर लें। तो अगर हमने ओपन किया तो ये हो जाएगा CH3 और ये C हो जाएगा, ये CH3 और यहाँ पर CH3 और ये BR हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कार्बन पे तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो एक कार्बन पे तीन मिथाइल, क्या ये यही स्ट्रक्चर बना रहा? नहीं बना रहा, मतलब ये भी गलत हो गया। तो भैया सही कौन सा हो गया? ये। अब देख लेते हैं, हाँ सही है, क्योंकि CH3 CH CH3 CH2 BR। ठीक है, यानी आंसर यहाँ पर डी आंसर जो होगा वो करेक्ट। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज लार्जेस्ट ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि आपसे कह रहा है कि इनमें से किस आयन में सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन होगा। बेरिलियम 2+ दिया है, Ba2+ दिया है, K+ और Li+ दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखो तो दो एल्कलाइन अर्थ मेटल आपको दिए हैं और सबसे ऊपर बेरिलियम होता है और सबसे नीचे बेरियम होता है, और दो एल्कली मेटल दिए हुए हैं, सबसे ऊपर लिथियम होता है और बीच में जो होता है पोटेशियम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ये सोचना है कि भाई किसका जो होगा हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले तो हम हाइड्रेशन समझ लेते हैं। देखिए ऐसा होता है कि जब आप किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, जब आप क्या करते हैं, किसी आयनिक कंपाउंड को आपने क्या किया, वाटर में डिजॉल्व किया। सपोज मैंने LiCl को डिजॉल्व किया, इसने क्या करा, इसने कैटायन बनाया और एनायन भी बनाया, और कैटायन एनायन दोनों के चारों ओर जो होता है वो क्या करता है, वो वाटर मॉलिक्यूल लगना शुरू हो जाते हैं। क्यों लगना शुरू हो जाते हैं? अरे वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो खुद में जो है वो एक पोलर कंपाउंड होता है। वाटर मॉलिक्यूल खुद जो होता है वो पोलर कंपाउंड होता है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसके ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर पार्शियल प्लस चार्ज आएगा। ठीक है ना, अब इसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि डायपोल मोमेंट जो होगा उसकी कुछ ना वैल्यू जो होगी वो आएगी। लोन पेयर जो होंगे, इसके लोन पेयर जो होंगे वो ऊपर की डायरेक्शन में लगाएंगे, यानी कुल मिला के ऊपर की तरफ जो होगा, यानी डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। डायपोल मोमेंट की वैल्यू आने का मतलब है कि ये कैसा कंपाउंड है, पोलर मॉलिक्यूल, ये कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है। चले भाई ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसके ये कैसा आयन है, ये कैटायन है, और कैटायन के चारों तरफ नेगेटिव पार्ट इसका लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि वाटर का नेगेटिव पार्ट कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसके चारों तरफ लगना शुरू हो गया। अब एक बात मेरे को बताओ, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन जब इसके चारों तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो कोई एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है? हाँ भाई हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रही है, अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड बॉन्ड। तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो भाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, निकलेगी, और इसी एनर्जी को नाम दे देंगे क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। इसी को क्या नाम दे देंगे क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। तो एक बात बताओ जरा, बहुत सारे अगर वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे तो बहुत सारी एनर्जी भी निकलेगी, यानी कि हाइड्रेशन बढ़ेगा। अगर हाइड्रेशन बढ़ेगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बढ़ेगी। ठीक है ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के हमसे हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं पूछ रहा है यार, हमसे पूछ रहा है कि हाइड्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होगा। अब एक बार बताओ, इस नेगेटिव पार्ट को खींचने के लिए क्या चाहिए? तो आप सीधे बोलोगे कि सर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा जो होगा नेगेटिव पार्ट, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे और उतना ही ज़्यादा हाइड्रेशन होगा। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ, आपने क्या बोला, आपने कहा सर पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी जो होगी वो भी ज़्यादा है, और साथ ही साथ जो है आयनिक साइज जो है, आयनिक साइज जो है वो कम होना चाहिए। भाई आयनिक साइज कम होगा तो इसका मतलब है कि उसकी उसका जेड इफेक्टिव जो होगा वो ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से वो इलेक्ट्रो नेगेटिव पार्ट को ज़्यादा खींचेगा। बस आप ज़रा सोचो, साइज छोटा है तो इसका मतलब है कि ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इन दोनों में कॉम्पिटिशन हो गया, बट इस पर प्लस चार्ज है और इस पर 2+ चार्ज है। तो भाई चार्ज ज़्यादा किस पे है, चार्ज ज़्यादा बेरिलियम पे है, यानी बेरिलियम जो होगा वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा O- को अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन को खींचेगा। ठीक है, एक बात और भी, आप समझते हो कि आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है। तो बेरिलियम का साइज जो होता है वैसे लिथियम से कम होता है, तो उसकी वजह से सारे के सारे पैरामीटर यहाँ पर आ रहे हैं, तो बेरिलियम जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आंसर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा लार्जेस्ट ऑफ हाइड्रेशन के लिए। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि बॉन्ड एंगल इज मिनिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, और आपको दिया हुआ H2T, फिर H2O, फिर H2S और H2SE। मतलब आपको समझ में आ गया कि ये सारे के सारे जो हैं वो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो अब हमने क्या करा, हमने लिखा भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, के बाद आएगा सेलेनियम, और सेलेनियम के बाद आएगा क्या, टेल्यूरियम।
अब यहाँ पर हमने सब जगह हाइड्रोजन को लगा दिया, H2S, H2O कर दिया, H2S, H2SE और H2T कर दिया। ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो भाई बॉन्ड एंगल का क्या पंगा होता है, ये बात आपको भी पता है कि बॉन्ड एंगल टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करता है अगर सराउंडिंग एटम जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि सराउंडिंग एटम जो होंगे वो क्या है, सेम है, सारे के सारे क्या है, हाइड्रोजन है। तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने के साथ साथ जो होता है वो घटता जाता है। दूसरी एक बात और भी है कि यहाँ पर क्या इस केस में जो होता है, इन तीनों में जो होता है वो एक रूल लगता है जिसको कहते हैं ड्रैगोज रूल, ठीक है ना। ये जो होता है वो ड्रैगोज रूल के अकॉर्डिंग भी होता है और इनका बॉन्ड एंगल जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट जो होता है वो 90 डिग्री के आसपास होता है जो कि घटता ही जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब इस हिसाब से आपको समझ में आ रहा है कि ये जो होगा इसमें ऑप्शन जो होगा वो H2TE जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ड्रैगोज रूल आपसे ये कहता है कि अगर सराउंडिंग एटम की, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से कम आती है तो उस केस में जो होता है उस केस में बॉन्ड जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो नहीं होता है और वहाँ पर बॉन्ड एंगल जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 3.5 है और धीरे धीरे ये वैल्यू घटती चली आ रही है, सही है ना। तो उस केस में क्या है कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी क्या होगा, वो भी घटता चला जाएगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पे बॉन्ड एंगल घटता है और H2T जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑर्थोबोरिक एसिड बिहेव्स एज अ लुइस एसिड, ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि इट डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द आयन एंड फॉर्म ए टेट्राहेड्रल मेटाबोरेट। तो अब करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, दिया है ऑप्शन ए, एसर्सन गलत है और रीजन सही है। फिर कह रहा है एसर्सन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्सन का। फिर कह रहा है एसर्सन सही है, रीजन सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीज़न यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर कह रहा है सरसल सही और रीज़न जो है वो कह रहा है गलत है। तो चलो भैया देख लो। तो पहले एक बार बताओ कि ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। तो आपको समझ में आता है कि H3BO3 होता है ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला। इसको हम नाम देते हैं बोरिक एसिड, इसको नाम देते हैं बोरेसिक एसिड और इसको नाम देते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो यही बोरिक एसिड है, यही बोरेसिक एसिड है और यही ऑर्थोबोरिक एसिड है। अब होता क्या है, होता ये है कि जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वाटर में डिसॉल्व करने पर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। वाटर में जैसे आपने डिसॉल्व किया तो वाटर के ऑक्सीजन ने इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया। भाई आपको समझ में भी आ रहा है कि बोरॉन जो होता है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं तो 2, 3 वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 और 3 है, 3 बॉन्ड बना लिए तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और डेफिशिएंट है तो क्या हो जाएगा भाई, लुइस एसिड। क्या हो जाएगा, लुइस एसिड। तो ये कह रहा है कि भाई जो है वो लुइस एसिड की तरफ वर्क करता है, तो ठीक है भाई एसर्सन जो है वो सही है। आपको समझ में आ रहा है कि वाटर के साथ ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद में यहाँ से बोरॉन वाटर के OH माइनस ने लोन पर इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पर ये OH आ गया, ये OH आ गया, BOH होल 4 बना देता है और प्लस यहाँ से H प्लस जो होता है निकलता है जो कि इसके एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट ये H प्लस जो आता है वो वाटर से आता है ना कि बोरिक एसिड से। बोरिक एसिड कोई भी H प्लस आयन को रिलीज नहीं करता है, यानी कि बोरिक एसिड लुइस एसिड तो है, इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक्सेप्ट करता है बट ये प्रोटिक एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये H प्लस आयन नहीं देता है। H प्लस आयन देगा तो होगा प्रोटिक एसिड, तो प्रोटिक एसिड नहीं है लेकिन लुइस एसिड है। चलो भाई ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कह रहे भाई इट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द आयन एंड फॉर्म ए टेट्राहेड्रल मेटाबोरेट। तो भाई जरा समझो, बोरिक एसिड को जब आप हीट करते हो तो हीट करने पर ये क्या करता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिलीज करके HBO2 बनाता है जिसको मेटाबोरिक एसिड कहते हैं। इसका बोरेट आयन अगर देख लो तो BO2 माइनस जो होता है बोरेट आयन होता है जो कि बोरेक्स बीड में जो होता है वो कलर को भी प्रोड्यूस करने के लिए जो होता है वो यूज़ किया जाता है। हालांकि इससे बोरेक्स बीड नहीं होता है, वो बोरेक्स आप लेते हो वहाँ से बोरेक्स बीड बनता है बट वहाँ पर भी मेटाबोरेट बनता है।
बात समझे ना। और ये जो होता है ये इस तरह से नहीं बनता है कि भाई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे रहा है और एक टेट्राहेड्रल इसकी शेप बन रही है। ज़्यादा से ज़्यादा एक ये साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर देता है। साइक्लिक रिंग में भी इसके 3 मॉलिक्यूल्स आपस में लग जाते हैं, मैं बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये बी ओ हो गया, ये बी ओ हो गया और ये बी ओ हो गया, इस तरह से ये ओ माइनस हो जाएगा, यहाँ ओ माइनस हो जाएगा, ये ओ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि बी ओ टू होल थ्राइस 3 माइनस ये साइक्लिक रिंग होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल जैसा कोई मतलब ही नहीं होता है और ना ही इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू ये बनता है, डोनेशन के थ्रू बनता है। यानी रीजन जो होगा इसका कैसा होगा, रॉन्ग हो जाएगा। असर्शन जो होगा इसका सही हो जाएगा। यानी मेरे पास आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो डी आंसर जो होगा वो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज नॉट करेक्ट। तो भैया नॉट करेक्ट तो सबसे पहले सर्कल करना है और इन करेक्ट को ही हमको ढूंढना है। देखिए बहुत ही आसान है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया गया है, आराम से इसको सॉल्व कर देंगे, बट फिर भी जो होती है इसमें मिस्टेक हो जाती है। तो भाई आपको अगर मिस्टेक लगता है, अगर आसानी से लग गया ठीक है, नहीं लगता है तो आप ऐसा करो सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट के अंदर ये सॉल्व, बल्कि 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है, 8 होता है। तो ये हो जाएगा 1s2, फिर हो जाएगा 2s2, फिर 2p4 हो जाएगा, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। एल्युमिनियम का कितना होता है, 13 होता है। तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। और 13 लगना है तो 3p1, और यहाँ पर तो 3s2 3p3 है, यानी यही मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। बोरॉन का और नाइट्रोजन का बताने की कोई जरूरत नहीं, चलो बता देते हैं। ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p1 हो जाएगा। नाइट्रोजन का 7 होता है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। चलो देख लो यहाँ 2s2 2p1 है, 2s2 2p3 है, सही है, ठीक है। यानी कि इनकरेक्ट जो आपका ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन रोजनमुंड रिडक्शन द कंपाउंड रिड्यूस्ड इज, रोजनमुंड रिडक्शन में कौन सा कंपाउंड जो होता है वो रिड्यूस होता है। अब आपको याद आ रहा है रोजनमुंड रिडक्शन, याद कीजिए। तो रोजनमुंड रिडक्शन में आप क्या करते हो कि आप एसिड हैलाइड की रिएक्शन कराते हो, किसके साथ में, पैलेडियम और BaSO4 के साथ में, और इसको रिड्यूस कर देते हो। और काहे में रिड्यूस करते हो, एल्डिहाइड में। ये एक्चुअल में एल्डिहाइड की प्रिपरेशन होती है, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड से। अब भाई जरा देख लो, यहाँ पर आपको दिया है अमाइड नहीं होगा, एल्डिहाइड नहीं होगा, एसिड क्लोराइड होगा और एल्काइल साइनाइड नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर पैरा मैग्नेटिक करेक्टर। आपसे कह रहा है कि भाई Ni2+ है, Mn2+ है, Fe2+ है और CO2+ में किस में जो होगा वो हायर पैरा मैग्नेटिक करेक्टर होता है। तो देखो एक बात यहाँ पर समझ लो कि पैरामैग्नेटिक नेचर जो होता है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, ठीक है ना। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। तो चलिए देख लेते हैं, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है। अब यहाँ पर देखो एक ट्रिक भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे सपोज करो कि निकल है, निकल का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है और 28 है, और इस पर चार्ज कितना, +2 है, ठीक है ना। इसके बाद में आप आ जाते हो मैग्नीज पे, तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है, चार्ज +2 है। इसके बाद आप आते हो आयरन पे, एटॉमिक नंबर 26 है, चार्ज +2 है। और कोबाल्ट पे आप आते हो तो 27 है और चार्ज कितना है, +2 है। अगर कि अगर 3, ये सारे के सारे अगर आप देखो तो सारे के सारे जो हैं वो 3D सीरीज के एलिमेंट हैं, 3D सीरीज के एलिमेंट हैं। तो 3D सीरीज में आप ये ट्रिक लगा सकते हो, अगर आपके पास में +2 वाले आयन्स हैं तो ये 2 आप हटा दीजिए, जो भी इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो सारे के सारे जो होंगे डी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब कि Ni2+ में क्या हो जाएगा, 3D8, 3D सीरीज के है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा 3D8, इसमें क्या हो जाएगा 3D5, इसमें क्या हो जाएगा 3D6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3D7, ठीक है ना। तो ये जो है वो 3D सीरीज में लगती है कि आप यहाँ पर 2 हटा सकते हो और बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसके होंगे, D के। अब ये 2 क्यों हटा दिया भाई, 2 जो है वो S के इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे ना,
ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसको लगा सकते हो, क्रोमियम में भी आप ये लगा सकते हो। क्रोमियम क्या हो जाएगा 24, आप 2 हटा दो तो क्या हो जाएगा 3D4, कब हो जाएगा Cr2+ में। कैसे भाई, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ से गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ से गया, तो बचा क्या 3d4 बचा ना। तो इसलिए इस ट्रिक में कोई कन्फ्यूजन मत रखना, इस तरह से लग जाएगा। अब आपको एक बात समझ में आ गया कि ये क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा 3d8 हो जाएगा। अब ये 3d8 हो जाएगा तो जरा 3d8 को देख लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। मैग्नीज की बात करो तो आइए हो जाएगा आर्गन 3d5 हो जाएगा। तो भाई इसमें जरा देख लो, तो यहाँ पर तुमको समझ में आ रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैसे अनपेयर्ड हैं, यानी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। यहाँ पर आ जाओ आर्गन में, अगर आप बात करते हो तो आर्गन का क्या हो जाएगा 3d6, तो 3d6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि यहाँ पर एन की वैल्यू यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4। उसके बाद आ जाए 27, यहाँ पर ये हो जाएगा आर्गन 3d7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3d7 हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 3 हैं। पैरा मैग्नेटिक नेचर के लिए कितने ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, मैग्नीज में। आंसर करेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, MnB हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर जो होगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन रहा है इन ब्राउन रिंग टेस्ट इन द कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग टेस्ट में इस कॉम्प्लेक्स में अगर देखें तो Fe H2O 5 NO SO4 दिया हुआ है। कह रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड बिहेव्स एज, NO पे 2- है, NO पे प्लस है, NO पे माइनस है और NO है, ठीक है। कुल मिला के ये कह रहा है कि पॉजिटिव लिगेंड की तरफ वर्क कर रहा है, न्यूट्रल लिगेंड की तरफ वर्क कर रहा है या निगेटिव लिगेंड की तरफ वर्क कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बात मालूम है कि यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो आती है वो कितनी आती है, +1 आती है। और +1 क्यों आती है, क्योंकि ये जो होता है वो प्लस यानी पॉजिटिव लिगेंड की तरह वर्क करता है, और सल्फेट पे तो तुमको पता है कि भाई 2- होता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये 2- है तो ये 2+ होना चाहिए, यानी कि आयरन पे क्या आती है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आती है, ठीक है। आयरन जो होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में शो करता है, और ये जो होता है वो NO+ के फॉर्म में जो होता है वो वर्क करता है। और इस केस में जब इसका नाम लिखते हैं यहाँ पर IUPAC नेम जब लिखते हैं तो उसमें हम इसको लिखते हैं नाइट्रोसोनियम, और या फिर हम इसको लिखते हैं नाइट्रोसाइलियम, ठीक है ना। नाइट्रोसोनियम भी लिखा जाता है इसके लिए और नाइट्रोसाइलियम भी लिखा जाता है। और आप इसको कंपेयर कर सकते हो किसको, कार्बोनियम से, किससे कर सकते हो, कार्बोनियम। ईएम आ गया मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एनओ जो है एनओ प्लस की तरह जो होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड एनओ प्लस की तरह जो होता है लिगेंड की तरह बिहेव करता है। आंसर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच रिएजेंट ब्रिंग्स अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस, आपको दिया हुआ है अल्कोहल, और अल्कोहल से यहाँ से क्या हुआ, ये पेंटागोनल रिंग है, साइक्लोपेंटेन है, और OH से BR को बस चेंज कराया गया है। तो आप सोचो कि अगर अल्कोहल से आपको एल्काइल हैलाइड बनाना है तो उस केस में आप किस रिएजेंट का यूज़ करेंगे, क्या आप ब्रोमीन वाटर का यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे, क्या आप NaBr का यूज़ करेंगे, ना, क्या PBr3 का यूज़ करेंगे, हाँ भाई करेंगे, हम फॉस्फोरस के साथ में आयोडीन मिलाते हैं और अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर आंसर जो होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपने क्या किया, साइक्लोपेंटेनॉल की रिएक्शन करा दी, किसके साथ में, PBr3 के साथ। हालांकि ये P+Br2 लेते हैं और आयोडीन के केस में तो फिर वो तो स्टेबल ही नहीं होता है, तो P+I2 ही लिया जाता है। इन्होंने PBr3 ऑप्शन दिया है तो यही आंसर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। Br2CCl4 जो होता है इसका यूज जो होता है वो ज्यादातर एल्कीन के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर अल्कोहल के लिए, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए जो है वो हम यूज करते हैं PBr3 को। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन सीक्वेंस, आपको साइक्लोहेक्सेनॉल दिया है और कंसंट्रेटेड H2SO4 और साथ में Br2 के साथ रिएक्शन कराई गई है। अब अगर आप ऑप्शन ए में देखो तो दोनों जो हैं वेज पे दिए गए हैं Br, अगर आप यहाँ पर देखो तो Br- पे है और H वेज पे है। यहाँ पर देखो तो दो Br जो हैं वो अलग अलग, एक वेज पे एक डैश पे हैं, और अगर यहाँ पर देखो तो हाइड्रोजन डैश पे है और ये वेज पे है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो भाई चलो पहले रिएक्शन को देख लेते हैं फिर आंसर को देखते हैं।
देखो आपको ये याद आ रहा है कि अगर आपको क्या करना है, अल्कोहल से OH हटाना है तो एसिडिक मीडियम को लाना है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाया तो उसने H प्लस दिया और H प्लस को इसने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया और देने के बाद इसने गुड लीविंग ग्रुप बना दिया और ये बन गया क्या, गुड लीविंग ग्रुप बन गया। और गुड लीविंग ग्रुप का काम है लीव करना, तो अब ये लीव हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हुआ कि वाटर जो होगा वो लीव हो गया और लीव होने के बाद में ये बन जाएगा साइक्लोहेक्साइलियम। अब इसी के पड़ोस का हाइड्रोजन जो होगा वो यहाँ से रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद ये यहाँ से H प्लस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या, साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मेरे पास क्या बन गया, साइक्लोहेक्सीन बन गया। अब इसका हमको करना है क्या, ब्रोमिनेशन। और ब्रोमिनेशन की प्रोसेस आपको याद आ रही है कि एंटी एडिशन होती है, ठीक है ना। ये प्रोसेस कैसी होती है, एंटी एडिशन होती है। एंटी एडिशन का मतलब ये होता है कि दोनों ब्रोमीन जो होते हैं वो कैसे लगते हैं, अपोजिट साइड में लगते हैं ब्रोमोनियम आयन के थ्रू। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर ये जो होगा वो बैज पे जाएगा, अगर यहाँ पे ब्रोमीन, भाई यहाँ ब्रोमीन लगेगा, यहाँ ब्रोमीन लगेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, तो ये वाला कहाँ जाएगा, डैश पे। ये जो है वेज पे, वो जाएगा डैश पे। तो समझ में आ रहा है कि भाई वेज और डैश वाला यानी ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से पहले आपने प्रोसेस को देख लिया और उसके बाद आंसर इसका सी करेक्ट कर दिया। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है कि द एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट आर। आपसे कह रहा है कि भाई इन स्टैंडर्ड स्टेट में आपको एंथैल्पीज की बात बतानी है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा है कि स्टैंडर्ड स्टेट में अगर आप एंथैल्पी को देखते हो तो वो क्या हो जाती है, जीरो। वो क्या होती हैं, जीरो, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। लिखा है कि डिफरेंट फॉर ईच एलिमेंट नहीं होगा, यूनिटी नहीं कह सकते हैं, लेस देन जीरो तो भाई माइनस भी होता है प्लस में भी होता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए एक कन्फ्यूजन दिमाग में रहेगा, बट जीरो जो होता है वो स्टैंडर्ड स्टेट में माना जाता है, इसलिए यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। आंसर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा।